हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीच रेट के बारे में, जैसे कि हम स्पीच रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है टेक्स्ट टू स्पीक सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्पीच रेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना है यहाँ से इस तरीके से और इसको डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस को भी आपको इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले सिंपल पर क्लिक करेंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, स्पीच रेट, तो यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।